अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आजकल रात का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। यहाँ पे कभी कभार बारिश हो रही है, सर्दी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा हुआ हुआ है। तो मैं आपको यही दिखा रही थी, ये सुबह का टाइम, क्योंकि आज मौसम ऐसा हुआ हुआ है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह का मैकडोनल्ड्स का ब्रेकफास्ट मिलता है, मैं घर में कैसे बनाती हूँ। ये वाले पैटी हैं, और ये आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। मैं हर्फी के ले रही हूँ ब्रेडेड चिकन पैटी, और ये साथ एग्स बॉयल कर रही हूँ। सादिया के मैं हैश ब्राउन्स लूँगी, और ये वाले हैं मफिन्स, इंग्लिश मफिन्स हैं जो कि तमीमी से मिलते हैं। मैं आपको इनका पैकेट भी दिखा देती हूँ। ये वाले इंग्लिश मफिन्स हैं जो कि मैं तमीमी से ले कर आती हूँ, और बिल्कुल सेम मैकडोनल्ड्स के ब्रेकफास्ट जैसा ये बन जाता है सारा। और इसको मैं ओवन में डिफ्रॉस्ट करती हूँ, और साथ ही कबाब बन रहे हैं, और हैश ब्राउन्स बनाऊंगी मैं एयर फ्रायर में। बंस अगर आपको लगे कि अंदर से अभी तक डिफ्रॉस्ट नहीं हुए, तो आप इन्हें हल्का सा माइक्रोवेव कर लें। और अब मैं इस पे ये वाली चिकन पैटी रख दूंगी, और साथ ही यहाँ पे ये वाली चीज स्लाइसेस इसके ऊपर रख दूंगी। अच्छा, एग्स के लिए हम किसी भी शेप में, ये टेस्ट तो सेम ही होता है, मैकडोनल्ड्स जैसी शेप तो नहीं मैं बना सकती। तो मैंने नॉर्मली एग्स बॉयल करके उनको कट करके, तो सीजनिंग भी आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ये वाली ऐड की, और ये बहुत ही मज़े की है। ये भी मैंने तमीमी से ली है, नेचुरल सीजनिंग विद ग्राइंडर। तो इस तरह ग्राइंड करके सारी इसके अंदर जो भी हर्ब्स वगैरह हैं और जो भी चीज़ें हैं, तो वो इसमें आ जाती हैं, और ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस इस तरह से हमारा ये मफिन बिल्कुल रेडी हो गया है। ब्राउन्स भी रेडी हैं। और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम ये टेस्ट किया था, और उन्हें ये बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के ब्रेकफास्ट जैसा ही लगा था। तो आप लोग भी अगर घर में ये ट्राई करें, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। आजकल मॉल्स में बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई हैं, ऑनलाइन भी, स्टोर्स में भी, क्योंकि नवंबर के मंथ में ऑलमोस्ट हर जगह ही सेल्स लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आज नखील मॉल आई हूँ, और यहाँ पे कहाँ कहाँ सेल्स हैं वो सब आपको दिखाऊंगी। और सबसे पहले आज आई हूँ मैं इस शॉप पे, और ये परफर्स ब्रांड है, और मुझे ये बहुत पसंद है। इसके बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। इन डिटेल मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ के बैग्स पे क्या क्या प्राइसेस और क्या क्या इनकी क्वालिटी है। और क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज यहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स आपको मिल जाते हैं। इन्होंने डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे बेज कलर के बैग्स थे, इस तरह के जूट के बैग्स थे। नॉर्मली इनकी प्राइसेस 100 से स्टार्ट होकर 400-500 तक जाती हैं, लेकिन 200 की रेंज में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग मिल जाता है। मुझे ट्रैवलिंग के लिए एक टोट बैग चाहिए था, और मैं वही यहाँ पे चेक कर रही थी, लेकिन ये जो साइज़ेस थे ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन मैंने एक बैग परचेज़ किया है, और वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो जैसे ही वो मुझे रिसीव हुआ, तो उसकी अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर के जो इनके बैग्स हैं, इन पर काफ़ी अच्छी सेल है, और ये आपको 170, 150 या 200 में ईज़िली मिल जाएंगे। ज्वेलरी पीसेस पे भी इनकी सेल थी, और मुझे इनके स्टाइल काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे।
ये वाले इस तरह के नेकलेसेस आपको यहाँ पे 55 रियाल में मिल जाएंगे, और इससे कम यहाँ पे प्राइस नहीं थी ज्वेलरी की। अगर ज्वेलरी के लिए आप चेक करना चाहते हैं तो आप एक्सेसराइज भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। और मुझे नॉर्मली ब्रेसलेट्स और कड़े बहुत पसंद आते हैं, इयररिंग्स में इतना ज़्यादा आप नहीं परचेज करती। और ये मैं आपको ओवरऑल इनकी ये सारी कलेक्शन दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी ऑल्टो, और यहाँ पे क्योंकि ऑल्टो की दो शॉप्स हैं तो इसलिए दोनों शॉप्स मैंने कवर की थी, और क्योंकि मुझे बैग परचेज़ करना था तो इसलिए मैं बार बार यहाँ के बैग्स आके चेक करती हूँ। लेकिन परचेजिंग मैंने ऑनलाइन ही की है, ऑनलाइन आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाता है अगर आप कोड्स वगैरह यूज़ करें तो। यहाँ पे 200 की रेंज में बहुत अच्छे स्टाइल के बैग्स हैं, और साथ ही अगर आपको इस स्टाइल में बैग्स चाहिए तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइल है। मुझे थोड़े बड़े साइज़ में बैग चाहिए था, मॉल से वापसी पे मुझे इस कैफ़े की ओपनिंग पे आना था, और ये इनकी फ़र्स्ट ब्रांच है जो कि मॉल से हटके बनी है। ज़्यादातर इनकी ब्रांचेस जो हैं मॉल्स में ही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कितना प्यारा सा ये डेकोर किया हुआ था। और यहाँ पे आज मैं इनकी कॉफ़ी, इनकी ड्रिंक्स और इनके क्रेप्स जिसके लिए ये फेमस हैं वो ट्राई करूँगी। और मैंने इनका ये मिक्स फ्रूट क्रेप ऑर्डर किया था, साथ इनके ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी थी, वॉफल्स थे वो भी मिक्स फ्रूट थे, और बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट था। तो अगर आप लोग भी इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, कॉफ़ी लवर हैं, तो यहाँ पे इनकी ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोग क्योंकि वहाँ पे मॉल के बाद गए थे तो ये कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे पैक करवा ली थी, और ये मैंने हॉट चॉकलेट वहाँ पे ऑर्डर की थी, और ये आज की शॉपिंग है। मैंने तो आज मॉल से कोई शॉपिंग नहीं की। अपनी नाइट टाइम स्किन केयर में मैंने रेटिनॉल का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है, और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, लेकिन 0.2 से द ऑर्डिनरी के मैंने स्टार्ट किया है। और साथ इसके मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मेरी स्किन इसके साथ इतनी ड्राई नहीं होती, तो इसलिए जो इसका सैंडविच मेथड है वो तो मैं नहीं कर रही, बस ये लगाती हूँ कुछ ड्रॉप्स और फिर साथ इसके मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ या कोई नाइट क्रीम, और उसके बाद आई क्रीम लगाती हूँ। आई क्रीम के लिए मैं ये वाली आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये हिमेश ब्रांड की है मरीन केयर आई क्रीम, और ये भी रेटिनॉल की है। अगर मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ तो फिर ये वाली आई क्रीम नहीं लगाती, जिस दिन मुझे रेटिनॉल नहीं लगाना होता तो फिर मैं ये वाली आई क्रीम लगा लेती हूँ। अभी मैं ये वीक में 2 times यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक तो मुझे छोटे छोटे से कुछ ब्रेकआउट्स फील हुए, लेकिन लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी शेयर करूंगी। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।